किसान की मूंगफली की फसल को जेसीबी से कर दिया नष्ट। तहसीलदार और पटवारी पर आरोप, 23 लोगों का परिवार आ गया सड़क पर। शिवपुरी कलेक्टर को चार परिवार के 23 लोगों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें कलेक्टर से जमीन सहित फसल का मुआवजा देने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार रमेश खंगार पुत्र उकार खंगार निवासी ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी ने कलेक्टर को दिया आवेदन में बताया कि उसकी ज़मीन मचा खुर्द में है और 20 साल से भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिसमें 3 कुएं बने हुए हैं और 9 कच्ची पाटोर बनी हुई है, 6 टपरिया बनी हुई है, साथ ही 50 से 100 हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं। चारों तरफ से बाउंड्री हो रही है। 3 अगस्त 2023 को तहसीलदार एवं पटवारी के साथ टीम आई और जेसीबी से खड़ी फसल मूँगफली की नष्ट कर दी गई। पीड़ित ने बताया कि उसका परिवार का भरण पोषण उसी जमीन से होता है और कई चार परिवार के 23 सदस्य इसी जमीन पर आश्रित होकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही टीम ने झोपड़ी हटाने की भी बात कही। युवक ने बताया कि इसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है, सभी ने फसल मुआवजा की राशि की मांग की है, साथ ही उसे जमीन पर उन्हें रहने दिया जाए ऐसी मांग की है। क्या नाम है आपका? अवतार नाम है। कहाँ से आए हो? मचा खुर्द से। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तहसील वाले। कल तहसील वाले आए तो जेसीबी चलाई फसल नष्ट कर दी। 20 साल से उस जगह में रह रहे हैं और हमारे 9 पटोरे बन नहीं है, कच्ची पटोरे हैं और टपरियां बन नहीं है। हमारे बच्चे गिड़गिड़ाए, वो मशीन के आगे आ गए, तब मुश्किल से पटोरे छोड़ी गई, तोड़ दही होती, फसल नष्ट कर दी। मंत्री के दबाव में हमारे तहसीलदार और पटवारी का कहना है कि हमको वो परेशान कर रहा है और वो खुद जमीन अड़बे के चक्कर में। हमारी 20 बीघा जमीन है, आज हम 20 साल से मारे रहे हैं, खेती कर रहे हैं। 25 आदमी का परिवार है, हरिजन समाज से है, बिल्कुल भूमि ही नहीं, हम पर एक बिस्वा जमीन नहीं है। शासन का आज तक कोई लाभ नहीं है। सरकार कहती है तुमको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं देते, आज तक कुछ नहीं दिया। क्या घटना ग्राम वैसे कल कौन आया था आपके यहाँ? तहसीलदार आया, पटवारी आया, मतलब पूरा स्टाफ बिनका आया और बीआई चौकीदार आए, कम से कम 25 लोग थे। और जे कह रहे बारिश हो रही है साहब, हम कहाँ जाए ऐसे में, सालिन को गड्ढा करके गाड़ दो। तहसीलदार कह रहा है कुत्तन को गड्ढे में गाड़ दो, सालिन को मानते छो गड़गड़ाते हैं, छाता रुक जाते हैं, फिर कहते हैं बहन चो हमारा जो हो गया वो हो गया। बहुत परेशान कर रहे हैं साहब, जान से मारने की धमकी, गड्ढे में गाड़ दो। हमारी माता जी 90 साल की है, तब माता जी हमारी उनके जेसीबी के आगे गिर गई, तब वो जाके रुके। और बारिश काल में हमारी ऐसी दशा हो रही है, मूंगफली का बहुत नुकसान किया है। पहले का क्या घटना ग्राम है और आज से पहले का, कल से पहले का? पहले हम कलेक्टर साहब में 3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। वो कह रहे हैं जाओ तुम्हारा सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने मैडम जी को दिया है, उन्होंने कह दिया कि चले जाओ तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कार्रवाई होती है, इंतजार कर रहे हैं दो एक दिन। मंत्री का आदमी बता रहे हैं वो लोग, मतलब तहसील वाले सब, हमें साहब 6 महीने से तो लाइट भी नहीं आ रही। उसका सुरेश मंत्री का भाई है मस्तराम, उसने बोला है वो उसका सब जमीन बेच खाई गरीब लोगों की, तो उसने भाई लाइट भी कटवा दी। सालिन को ऐसे भगाओ लाते हैं, देव मारो सालिन ने, बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। प्रशासन कोई सुनने वाला भी नहीं है। अभी मैडम ने क्या बोला है आपसे? मैडम ने कहा कि हम तुम्हारा समस्या सॉल्व कर देंगे। ठीक है।